सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। आज गाइस डिस्कस करेंगे कि डेवरी 10 mg की टैबलेट को लेने के बाद आपके पीरियड्स दोबारा कब आते हैं। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, अगर आप पहली बार ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेवरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। डेवरी जो टैबलेट है, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है मेड्रोक्सी एसीटेट, 10 mg में मिलता है और ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है। इस टैबलेट का यूजली सेकेंडरी एमनोरिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, या फिर जिन पेशेंट्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है, या फिर जिन्हें हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर जिनको एज ए बर्थ कंट्रोल पिल चाहिए होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब कर देते हैं। ये जो टैबलेट है, ये फीमेल हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसी की तरह ये काम करता है, और ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ओके, अब बात करें कि इस टैबलेट को लेने पर, जो हमारा टॉपिक है कि इस टैबलेट को लेने पर आपके पीरियड्स कितने टाइम बाद आ जाते हैं। तो गाइस देखिए, जो इसकी यूजली डोज होती है, जनरल डोज होती है, एडल्ट डोज, वो होती है सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ में, ठीक है। और जो इसकी डोज का कोर्स होता है वो 5 डेज का होता है। जब आप इस टैबलेट की डोज को पूरा कर लेते हो बिल्कुल सही तरीके से, अब सही तरीका क्या है, देखिए कई लोग जो हैं इस टैबलेट को एक फिक्स टाइम पीरियड पर नहीं लेते हैं, या फिर इसकी डोज को कम कर देते हैं। जो जनरल डोज है इसकी, एडल्ट डोज 16 साल से 45 साल के बीच में, जिनको एमनोरिया की कंडीशन है, मतलब कि सेकेंडरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया क्या होता है, जिन फीमेल की एज 16 से 45 साल के बीच में होती है और किसी हार्मोनल इशू के कारण उनका पीरियड साइकिल मिस हो जाता है या फिर डिले हो जाता है, तो इस कंडीशन को एमनोरिया कहा जाता है, सेकेंडरी एमनोरिया। लेकिन अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, या फिर अगर आप एक प्रेग्नेंट वूमेन हैं, या फिर अगर आपके पेल्विक रीजन में किसी प्रकार की कोई सिस्ट है, ट्यूमर है, फाइब्रॉइड्स हैं, या फिर अगर आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या फिर अगर आपको PCOS, PCOD की प्रॉब्लम है, तो ये टैबलेट आपको नहीं लेनी चाहिए। पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो यूजली एमनोरिया के लिए, मतलब कि जब फीमेल्स का पीरियड साइकिल मिस हो जाता है, तो यूजली हम लोग इस टैबलेट को दिन में 2 बार खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना ही सजेस्ट करते हैं। खाना खाने के बाद गाइज, इसलिए क्योंकि इससे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देखी गई है, मतलब कि अगर आप इस टैबलेट को खाली पेट खाते हो तो आपको नोजिया वोमिटिंग होता है, या फिर आपको डिजीनेस हो सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, स्टमक ब्लोटिंग भी देखी गई है कई पेशेंट्स में। इसीलिए आपको हमेशा ये टैबलेट खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए, और सुबह शाम इसकी डोज होती है एमनोरिया के लिए, मतलब कि पीरियड्स को लाने के लिए काफ़ी इफेक्टिव ये मेडिसिन होती है। 5 डेज का इसका कोर्स होता है। जब आप इस टैबलेट का कोर्स पूरा कर लेते हो एक फिक्स टाइम पीरियड पर, फिक्स टाइम पीरियड मतलब कि सुबह शाम आपने ये टैबलेट लेनी है, सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे खाना खाने के बाद ही लीजिएगा फिक्स टाइम पर। और जब आप इस टैबलेट का कोर्स पूरा कर लेते हो तो विद इन 10 डेज आपको आपके पीरियड्स आ जाते हैं। यूजली जो पेशेंट्स हैं एमनोरिया के, जिनके पीरियड्स मिस हुए हैं या फिर डिले हो जाते हैं, उनके पीरियड इस टैबलेट को लेने पर 7 से 10 दिन के बीच में आ जाते हैं। लेकिन आपको मैं यहां पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपके पेल्विक रीजन में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है, कोई सिस्ट, ट्यूमर, या फिर फाइब्रॉइड्स हैं, या फिर अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, प्रेग्नेंट हैं, या फिर अगर आपको बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही है, या फिर एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन, या फिर एंटी फंगल मेडिसिन जैसे ग्राइसियोफ्लुविन चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपने इस टैबलेट को नहीं लेना है। आपने पहले मुझसे कंसल्ट करना है, या फिर आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो
कंक्लूजन जो आज की हमारी वीडियो का टाइटल था कि डेवरी 10 mg की टैबलेट को लेने के बाद आपके पीरियड्स कब आते हैं, तो विद इन 10 डेज आपके पीरियड्स आ जाते हैं। और यूजली अगर आप इस टैबलेट का कोर्स प्रॉपरली करते हो तो 7 से 10 दिन के बीच में आपको आपके पीरियड्स आ जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। पहली बारी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे